पिछले कुछ वक्त से रियल एस्टेट सेक्टर स्लो डाउन से जूझ रहा है। रविवार को सेक्टर की समस्याओं को समझने और उनके हल ढूंढने के इरादे से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियलिटी के दिग्गजों के साथ बैठक की। इस बैठक में सेक्टर को बूस्ट देने पर चर्चा हुई। साथ ही एनसीआर की समस्या से निपटने, रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने, फंसे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। मीटिंग में एनबीसीसी के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। इस मीटिंग में निर्मला सीतारमण के अलावा वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हाउसिंग सेक्रेटरी दुर्गा शंकर प्रसाद के अलावा नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी और वीसी प्रवीण जैन, फ्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट जक्षय शाह सहित रियल एस्टेट सेक्टर के कई दिग्गज मौजूद रहे। जो भी समस्याएं हैं होम बायर्स की, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की, बाकी की सबका हम एक आगे बढ़ने का रास्ता हम ढूंढ रहे हैं। गवर्नमेंट विल बी एड्रेसिंग दीज इश्यूज इन द डेज टू कम, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट विद दीज डिस्कशन अ वेरी यूजफुल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैव अफेक्टेड द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और बैठक में नरेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी भी मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद निरंजन हीरानंदानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दानिश आनंद ने। रियल एस्टेट में इतना बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे आप देखिए एनसीआर में कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वैसे सोचने में गया जाए कि हम इसको कैसे सुधारें, जल्दी से जल्दी हम इकोनॉमी को किक स्टार्ट करें। हमारी इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के बाद, तो मेरे अंदाज से इसके ऊपर सब चर्चा हुई हम कैसे कर सकते हैं। रेंटल हाउसिंग पर हमने सुझाव दिया कि इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, और जितने भी प्रॉब्लम्स फंसे हुए हैं, स्ट्रेस है, उसको कैसे निकाला जाए और इंटरवीनिंग स्ट्रेस फंड्स को इन्वॉल्व करके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाए। नहीं, सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो हमारी सुझाव सब बात सुन ली और अभी सरकार विचार करेंगे इसको कैसे किया ले जाए। हम तो सुझाव देते रहते हैं कि भाई इसको ये सोल्यूशन हो, दो तीन ऑल्टरनेटिव्स भी दिए हैं कि कहाँ हम इसको करा सकते हैं, और वो अच्छी बात है कि सरकार आज रविवार को भी सुनने को तैयार थे। सर, अंदर मीटिंग में काफी रेरा के चीज भी आए हुए थे अलग अलग स्टेट्स के, तो रेरा के एंगल में आपका क्या डिस्कशन हुआ? जो एनसीआर एरिया में है वो ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चले गया है। एनसीएलटी के बाद जो डिसीशन अब सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसके ऊपर निर्भर है और हमको उस डायरेक्शन में ही फॉलो करना है। तो एनसीआर को छोड़ के जितने भी हैं हमने प्रोजेक्ट्स के ऊपर सुझाव दिए हैं कि कोई स्ट्रेस फंड क्रिएट किया जाए, स्पेशली जहां प्रोजेक्ट्स को पॉजिटिव नेटवर्थ है, तो वहां जो स्ट्रेस फंड हमको चाहिए वो हम कर सके। वहीं इस बैठक में क्रेडाई प्रेसिडेंट जक्षय शाह भी मौजूद थे। जक्षय शाह से बात की दानिश आनंद ने। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि पहली बार ऐसा ऑल द स्टेक होल्डर्स के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने मीटिंग लिया। इट वॉज वेरी पेशेंट हियरिंग, सब कुछ सुना उन्होंने, हर तरफ से पहलू के सुना, कस्टमर इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंडस्ट्री बेनिफिट, जीडीपी में शेयर कितना है, लिक्विडिटी इश्यूज, डिमांड क्रिएशन, सब सुना है। पर्टिकुलर जो आप पूछ रहे सवाल, जो सॉल्व प्रोजेक्ट्स के लिए रेरा चेयरमैन भी वहीं थे, और क्रेडाई का ये मानना है उसमें कि अभी जो रेरा के एम्बिट में कस्टमर, डेवलपर और ब्रोकर्स है, रेरा के एम्बिट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ जानी चाहिए, तो इसका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने पेशेंटली सुना है और आने वाले दो तीन वीक में देयर विल बी अ स्पेशल मीटिंग अंडर द हाउसिंग मिनिस्टर विथ द कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड द रेरा चेयरमैन, तो उसमें वो लोग पॉजिटिवली उसको देखेंगे, ऐसा हमको आश्वासन दिया हुआ है। सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है रियल एस्टेट पे, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है हाउसिंग फॉर ऑल, और काफी सालों के बाद रोटी कपड़ा के और मकान का इतना ध्यान दिया जा रहा है, और ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ है, डीमोनेटाइजेशन, रेरा, जीएसटी एंड लिक्विडिटी इश्यू। हमने बताया कि सबसे ज्यादा फ्रेजाइल कंडीशन जो अगर है तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की है, तो उससे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हैंडल विद केयर, और मेरे हिसाब से अगर ये एक दो क्वार्टर में उसको ठीक नहीं किया गया तो जो अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो अच्छी चल रहा है, उसको भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने वो भी बताया और उन्होंने आराम से सुना है और उन्होंने उसमें आश्वासन भी दिया है कि हम उसको देखेंगे। स्लोडाउन जो हमको इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है उस पे क्या बातचीत हुई? नहीं, स्लो डाउन है इसलिए तो मीटिंग है सर, रविवार को सुबह, संडे मॉर्निंग मीटिंग क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन। रियल सेक्टर के दिग्गजों के बाद निर्मला सीतारमण जेपी होम बायर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी मिली और उनकी समस्याएं की जानकारी ली। इट वॉज अ वेरी सिंसियर एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू
determine what are the problems and how they can be resolved. तो solution oriented meeting लगी. Finance minister से हमने अनुग्रह किया कि वो bank को instruct करें, उनको rein in करें और उनको इस company के resolution plan में favorable vote करके और उसका solution निकालें. और साथ ही हमने housing ministers से ये request करी कि NBCC जो उनके under में आता है, उसको इंस्ट्रक्शन दें कि वो उनका जो रेजोल्यूशन प्लान है वो होम बायर्स के लिए थोड़ा फेवरेबल होना चाहिए. ये हिस्ट्री में आज पहली बार हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और बाकी भी सेक्रेटरीज थे, उन्होंने ये एफर्ट किया है कि होम बायर को सुने. क्योंकि आज तक हम सड़कों पर ही चिल्लाते थे, मीडिया में ही चिल्लाते थे. आज हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के अपनी ग्रीवेंसेस दे रहे हैं, तो एक इसमें ही अपने आप में ही बहुत बड़ी क्षमता नजर आ रही है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई स्टेप इन करके इसका सोल्यूशन निकालेगी.